तो फ्रेंड्स कैसे हैं, आशा करता हूं बहुत अच्छे से होंगे, बेहद अपना ख्याल रख रहे होंगे। इस छोटे से वीडियो में पोएम नंबर 1 माय मदर एट 66 के बहुत ही इम्पॉर्टेंट बार बार एग्जाम्स में पूछे गए शॉर्ट क्वेश्चंस को मैंने लिख दिया है पहले से ही। बस आपको समझाना है और आपको इसे समझना है और इसे नोट करना है। पहला था, वेयर वॉज द पोइट गोइंग एंड हु वॉज विद हर, कवि किसके साथ है अपनी यात्रा में और उसके साथ कौन है। द पोइट वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट, कमला दास जो पोइट हैं वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट जा रही हैं। हर मदर वाज विद हर, उनकी माता जी उनके साथ हैं। शी वाज डूजिंग विद हर माउथ ओपन, वो ऊँग रही हैं, नींद में है और उनका मुंह खुला हुआ है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। नंबर 2, व्हाट वाज द पोइट्स चाइल्डहुड फियर, कवि के बचपन का डर क्या है, किस बात से डर रही हैं। आज अपनी मदर को बुढ़ापे में देखा तो उन्हें अपने बचपन का डर याद आया, ये पोइट ने मेंशन किया है पोएम में। सो आ चाइल्ड इज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ बीइंग सेपरेटेड इट्स मदर फ्रॉम इट्स मदर, कोई भी बच्चा, ये सिर्फ इस बच्चे की बात नहीं, कोई भी बच्चा होगा वो अपने माँ से खास तौर से इतना कनेक्टेड होता है कि उसे डर लगा रहता है कि मम्मी कहीं चली तो नहीं गई। सिर्फ यही डर, दिस इज द रीज़न ऑफ द पोइट्स फियर, इस कवि के मन में भी वही डर है, उसे बचपन का डर या उसके बचपन का डर वही है जो हम सब के हर एक के बचपन का डर है कि मम्मी कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द पोइट्स मदर लुक लाइक, मदर कैसी लग रही है। द पोइट्स मदर वाज 66 ईयर ओल्ड, 66 साल की हैं। शी वाज लुकिंग वेरी ओल्ड एंड वीक, बहुत बूढ़ी और कमज़ोर दिख रही हैं। हर फेस वाज लाइक पेल एंड लाइफलेस, और उनका चेहरा पीला है और बेजान है। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोइट लुक आउटसाइड ऑफ द कार, ये बड़े ही फिलोसफिकल एक लाइन है कि कवि पहले अपनी माँ को देखती है, बहुत बीमार दिखती हैं, बेजान दिखती हैं, फिर वो बाहर देखना चाहती है, क्यों। ध्यान दीजिए, द पोइट वॉज वेरी मच सॉरी अबाउट हर मदर्स कंडीशन, अपनी मदर की कंडीशन देख के बहुत दुखी हैं, गमजदा हैं। शी वॉन्टेड टू सी आउटसाइड टू गेट सम पॉजिटिव फीलिंग, उसे लगता है कि उसका मन बहुत भरा हुआ है, इसलिए वो बाहर दूसरी ओर देखती हैं कि वहाँ से शायद कुछ पॉजिटिव फीलिंग मिले, और मिलती भी है। बाहर बच्चे खेलते हुए दिखते हैं, पेड़ भागते हुए दिखते हैं, एक तरफ ज़िंदगी रुक रही है या रुकने वाली है और दूसरी ओर ज़िंदगी दौड़ते हुए दिखती है, तो इस पॉजिटिव फीलिंग के लिए पोइट बाहर की ओर देखता है। ओके, आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो एक लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, और इन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, बाय, टेक केयर, लव यू।